आप देख रहे हैं केमास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं केमास न्यूज, हर समय आपके साथ। मैं हूं राम सुंदर। केमास न्यूज की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए विजिट करें www.kmasnews.com। विकास विकास विकास, आखिर विकास दिखता कैसा है, आखिर विकास होता कैसा है? आजमगढ़ जिले के विकास खंड फूलपुर के ग्राम सभा डीह कैथोली में ग्रामीणों ने प्रधान पर सीधा आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने बताया कि धन उगाही करते हुए शौचालय, आवास नाली, खड़ंजा निर्माण विकास कार्यों का पैसा प्रधान ने गमन कर लिया है। प्रधान का मकान भी अतिक्रमण में है। वहीं लोगों ने बताया कि जो अधिकारी जांच करने आए थे वे अधूरी जांच करके भाग गए। आपको बता दें, कल ग्राम सभा डी कैथोली की जांच करने जिला स्तरीय की टीमें आई थी। ग्रामीणों ने कहा कि हम लोगों ने जब अधिकारी को रोकना चाहा तो फोर व्हीलर का शीशा बंद करते हुए फरार हो गए। ग्रामीणों ने बताया कि आवास का पैसा जो 1,20,000 रुपये आया था, उसमें से प्रधान जयप्रकाश व प्रधान पुत्र दुर्गा उर्फ डल्लू बैंक में जाकर जबरदस्ती 20,000 रुपये निकलवा लिया। जब हमने पैसा देने से इनकार किया तो आवास को रद्द कराने की धमकी देने लगे। डी कैथोली की पूरे ग्राम सभा में जितने भी शौचालय लाभार्थी हैं, उन सभी शौचालय लाभार्थियों को प्रधान द्वारा बनवाया गया है। अभी भी काम अधूरा है, चारों तरफ से दीवार खड़ी करके छोड़ दिया गया है। कुछ लाभार्थियों को कागज में शौचालय बनवा कर दे दिया गया है, लेकिन धरातल पर शौचालय का नामो निशान नहीं है। ऐसे में पूरे ग्राम सभा में विकास कार्य अधूरा पड़ा है। जांच के दौरान जिले से आई हुई टीम के साथ ग्राम सभा के लोगों ने अपनी मजबूरी, अपनी व्यथा सुनानी चाहिए, तो टीम फोर व्हीलर का शीशा बंद करते हुए भाग गई। पूरे गांव में रामधारी यादव, अशोक कुमार, धर्मी देवी, सूरी देवी, जयराम वासुदेव बुझारत, जयप्रकाश यादव, शमशाद तबरेज, मोहम्मद सादिक, विनोद कोमल, भाना देवी, सोना देवी, बसंती राजभर, लल्लन यादव, विवेक कुमार सागर राजभर, गोलू यादव, फिरंती यादव, भोलू यादव के साथ सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। आजमगढ़ जिले से, इनके साम्राज्य को ध्वस्त किया जाए और जो बंजर की भूमि है उसको खाली कराया जाए और इनकी सदस्यता, इनकी प्रधानी की रद्द की जाए और इनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई हो। अगर आप कैथोली ग्राम सभा के निवासी थे तो बंजर भूमि में क्यों आके मकान बना के यहाँ निवास कर रहे हो? ये ज्यादा करके यहाँ के BDO जिम्मेदार हैं, SDM जिम्मेदार हैं, यहाँ हमारे जिले के अधिकारी जिम्मेदार हैं। इनकी सदस्यता तत्काल रद्द की जाए। ये अपने कैथोली ग्राम सभा में जाएं, अगर इनकी जमीन भी कैथोली में है, पुश्तैनी जमीन में, वो अपना मकान बनाए, लेकिन बंजर की जमीन को खाली कराया जाए। हमारा बस यही मांग है महाराज जी से। यहाँ आप देख सकते हैं जो पंचायत भवन बनाया गया था, पंचायत भवन को तोड़कर प्रधान अपने घर में पंचायत भवन का सरिया जो तोड़ कर निकाला गया है, ईंटा निकाला गया है, उसको ले जाकर टाली से लदवा कर JCB से अपने घर के निर्माण में, अपने मकान के निर्माण में लगवा रहा है। और यहाँ पर उसका मकान भी नहीं था, बंजर जमीन में। एक चुनावी का जो रहस्य होता है, लोगों के दिमाग में आता है कि अगर हम चुनाव लड़ना है तो किस तरह से राजनीति करनी होती है, तो इस तरह से ये बहुत प्रधान के दिमाग में आया कि ये इस गांव का निवासी नहीं है, ये दूसरे गांव का निवासी है, बगल के पड़ोसी गाँव का निवासी है, लेकिन बंजर भूमि पर वह अपना मकान बना कर यहां अपना वोटर लिस्ट में या नाम डालकर यहां पर कुछ चुनाव पुनः लड़ा है। और यहां के लोग मजबूर हो गए, जब बंजर भूमि पर जमीन पे निर्माण हुआ उसके मकान का, तो लोग मजबूर हुए, यहां तक मुख्यमंत्री तक गए, लेकिन अभी तक किसी तरह कोई उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। और ये पीड़ित हैं, हर तरह से त्रस्त हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं, इनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। एक बार पुनः मैं उनसे फिर जानना चाहता हूं कि आप अगर पीड़ित हैं, पूरे गांव ग्राम सभा को लेकर पीड़ित हैं, तो आप क्या इस पीड़ा को खत्म करने के लिए क्या मांग करना चाहते हैं? महाराज जी से हमारी यही है कि महाराज जी इसकी जांच करवा लीजिए, चाहे जानता उन्हें यहाँ प्रधान कुछ नहीं बनाए, शौचालय मिला है, बना कुछ है नहीं, कुछ नहीं आवास, कुछ नहीं,
लिस्ट में तो नाम नाम से बना हुआ है। अरे नाम से बना नाली है, नाली बन गई है, कुछ ना बना नाली ना चक्रोट ना मतलब कुछ ना दिए। तो क्या फिर प्रधान जी को चुनाव बताइए? बिल्कुल कुछ ना दिए। आपका नाम? क्या प्रधान के द्वारा आवास दिया गया है? आवास मिलल बा। कितना मिला था पैसा आवास का? आवास का पैसा 20,000। 20,000 प्रधान ले लिए थे। अच्छा, बैंक में आपने पैसा निकाला और प्रधान वहाँ पैसा लेने के लिए पहुँच गया? एक लाख 20 हजार आपके अकाउंट में आया था ना, खाते में? अकाउंट में आया था, लेकिन 20,000 रुपए नगद लाई लिया। कौन? बैंक में नगद लाई लिया। प्रधान? प्रधान के बेटा भतीजा है कि क्या? हाँ, नाम है उनका? लड़का है प्रधान के लड़के, दुर्गा नाम है उनका। वो आपसे जबरदस्ती पैसा ले लिया था कि आप देख के? नहीं, आप जबरदस्ती लिए थे। जबरदस्ती पैसा ले लिया? जबरदस्ती लिया सर, कहा कि आप पैसा नहीं देंगे तो आपके कॉलोनी फिर खुल जाएगी। अच्छा, पैसा नहीं देंगे तो कॉलोनी कैंसिल कर देंगे। शौचालय बना है? शौचालय पैसा 12,000 आया था सर, लॉकडाउन लग गया, हम लोग की मजबूरी आ गई ना। अच्छा, कहीं कहीं शौचालय लोग बनवाए तो प्रधान द्वारा ही बनवाया गया था यहीं पे? और अधूरा बना है वो, अधूरा पे जा के छूटा, पूरा नहीं कर। मजदूरी 35 जो है 15,000 मजदूरी नहीं मिला था, 20,000 रुपया नगद हमारे हाथ में। 20,000 प्रधान के लड़के ने आपसे जबरदस्ती ले लिया और जो मजदूरी का पैसा था वो भी नहीं दिया गया? नहीं, कहा कि आया। अच्छा, आज आज अधिकारी जांच करने आए हुए थे? जांच करने आए, हमारे घर नहीं गए। नहीं जांच किया? नहीं, अधोड़े पे छोड़ चले गए। अच्छा, हम लोग इंतजार करते रह गए। अच्छा, रास्ते से भाग गए? इंतजार करते रहे, दोबारा 2 बजे से इंतजार करते रहे। अब आते समय सीधे रोड पे चले गए, अपनी गाड़ी में बैठ के चला घरे। यहाँ देख रही है, क्या नाम है आपका? ये पीछे सब लोग, मेरा नाम यमुना प्रसाद यादव। यमुना प्रसाद यादव, इसी गांव से? क्या गांव का नाम आपका? सुना गई, थाने से लोग आए, दो दो बार भी देखना हुआ, लेकिन प्रधान पैसा दे रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। जब मैं जाता हूँ दीदारगंज थाने पे तो यही कहते हैं यहाँ एफ आई आर दर्ज हो गया है, न्यायालय में आप जो है भेज दिए हैं। बताइए, न्यायालय में भेजने से हमको क्या मतलब है? मैं मारा यहाँ जा रहा हूँ, मेरी हत्या हो जाएगी, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ना मैं सुरक्षा की मांग किया था, ना मुझको सुरक्षा मिला, ना मुझको कोई सुरक्षा मुहैया कराया जा रहा है। ऐसे बताइए, 3-4 करोड़ रुपया प्रधान मलाई कुआ मार के खा रहा है, बताइए उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा अगर मेरी हत्या हो जाएगी? नहीं हो रहा कि आपने कहा कि मेरी जान माल का खतरा है जी, कहीं कहीं आपको जान से मार देने का खतरा हो रहा है, आपने बताया धमकियां मिल रही हैं जी, तो किसके द्वारा? प्रधान के द्वारा मिल रही है साहब, मेरे ऊपर 4-4 बार मेरे ऊपर मारपीट उसने किया है और लोगों से भी करवाया है, जहाँ देखता है तहाँ गाली देकर मेरे सामने से गुजरता है, लेकिन मैं मजबूर हूँ साहब, मैं उसका किस तरह से मुकाबला करूँ? बस मैं प्रशासन से मेरी यही मांग है कि मुझको सुरक्षा दिया जाए और जो रिकवरी मैं पूर्व में करवा चुका हूँ जाँच, वो पैसा खजाने में जमा होना चाहिए, बस मेरी यही मांग है। इतनी पूरी ग्राम सभा की इतनी बड़ी समस्या है यहाँ पर, ना तो प्रधानमंत्री तक जा रही है, ना तो मुख्यमंत्री तक जा रही है, अगर जो अधिकारी जांच करने आ रहे हैं वो अधिकारी सीधा अधूरी जांच करके चले जा रहे हैं। अब उनके अंदर एक पता नहीं क्या भय बना हुआ है, कैसे क्या है, अब वही बता सकते हैं कि प्रधान जो अधूरा काम करके गया है उसकी जाँच करने आते हैं और ये भी प्रधान के जैसा ही अधूरा जाँच करके चले जाते हैं। उनको लगता है यहाँ की जनता जो बता रही है, यहाँ के लोगों के द्वारा जो जानकारियाँ मिल रही हैं, कहीं न कहीं प्रधान दोषी है और उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए और यहाँ पर जो सफाई कर्मी काम करता है, साफ सफाई करता है, वो भी केवल प्रधान के घर पे आता है, उनका झाड़ू पोछा करता है और उसके बाद पेमेंट लेके चला जाता है। अभी गांव में जितने लोग से मेरी मुलाकात हुई है, शायद किसी को सफाई कर्मी का चेहरा तक याद नहीं है। जितना भी विकास की दर कही जाए, अगर उत्तर प्रदेश में जहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने या विकास की दर तेजी से बढ़ा दिया है, वहीं पर यहाँ पर विकास की दर 0 पाई जा रही है। हर तरह से ये समस्या में जूझ रहे हैं प्रधान, हर तरह से किसी न किसी बहाने व जोर जबरदस्ती करके इनके आवास का पैसा खा गया है, शौचालय का पैसा खा गया है, नाली निर्माण का पैसा खा गया है, बाहर तालाब का पैसा खा गया है। कहा जाए तो जितनी विकास की दर पाई जाती है एक ग्राम सभा में, सभी विकास का पैसा प्रधान के खाते में चला गया है।
और गांव में एक प्रचंड भी विकास का कहीं पर कोई नामो निशान तक नहीं दिखाई दे रहा है। आपको शौचालय मिला था? पैसा ना मिला, समस्या बनाया था, दिवालिया खड़ी भई रही है। पैसा शौचालय का पैसा आपको नहीं मिला था ना? आपने अपने पैसा लगा के बनवाया था? नहीं, वो नहीं बनवाए थे प्रधान। प्रधान बनवाया था। तो शौचालय कहाँ बना हुआ था? अच्छा, यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा। हाथ लगकर तो नहीं, पैसा दरवाजा टूटा रखा भैया, माँ टूट गई, तुल तोड़ ना तो टूटा हुआ दरवाजा लगा था। अच्छा रहा, ये खराब करा। लिंटर लिंटर लगा था? नहीं, ऊपर लिंटर लगा रहा ना, तो गड्ढा प्लास्टर भी नहीं हुआ था। प्लास्टर हुआ गड्ढा भी नहीं हुआ। खासकर मुख्यमंत्री जी से, ये वर्तमान जो प्रधान हैं, इनका घर कैथौली में था, लेकिन ये बंजर की भूमि में 22 बीघा जमीन में डी कैथौली का ये बंजर भूमि था, उसमें मकान बना के यहाँ वोटर लिस्ट में नाम डाल के चुनाव लड़ने के उद्देश्य ऐसा हुआ है। तो महाराज जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मौके पे मकान बना हुआ है, इसकी शिकायत मैं आके आपसे स्वयं खुद मिला था, गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में। जी नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं केमास न्यूज आजमगढ़ से। इस समय हम मौजूद हैं डीह कैथौली ग्राम सभा में, जो फूलपुर विकास खंड के दीदारगंज थाने के अंतर्गत आता है। यहाँ पर हम एक बहुत बड़ी समस्या का लोग सामना कर रहे हैं। ना तो नाली सही ढंग से बना हुआ है, ना तो खड़ंजा बना हुआ है, ना ही शौचालय बना हुआ है, और ना ही आवास बना हुआ है, और पैसा पूरा का पूरा जो है निकाल लिया गया है प्रधान के द्वारा। और अगर आप लिस्ट देख लीजिए तो सभी के खाते में पैसा ट्रांसफर हो चुका है। और आइए मैं उन्हीं लोगों से ही बातचीत करता हूँ कि उनके खाते में पैसा गया है कि नहीं गया है। यहाँ पर ब्लॉक से जब यहाँ से एप्लीकेशन दिया गया ब्लॉक के अधिकारियों को जाँच करने के लिए, तो वो अधिकारी क्या वीडियो ने ये बताया फोन पे, अब ये फोन बात हुई थी, फोन पे बात हुई वीडियो से, वीडियो ने काम उसको बुखार आ गया। पता नहीं क्या ऐसा प्रधान से उनको डर है कि क्या कहा जाए, उनको बुखार आ जाता है जांच करने पर। और जिले से अधिकारी जांच करने आते हैं, तो जब उनसे बातचीत मेरी होती है तो जिले के अधिकारी अधूरा काम छोड़ के भाग लेते हैं। अभी मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा, वो पूरी गाड़ी में जबरदस्ती बैठते हुए अधूरा काम करते हुए यहाँ से फरार हो चुके हैं। आइए मैं यहाँ के परिजनों से बात करता हूँ जिनकी यह समस्या है। आपका नाम ये? कुमार मौर्य, हम शिकायत करता है। अच्छा, प्रधान के खिलाफ शिकायत। प्रधान क्या नाम है? ओम प्रकाश यादव। क्या समस्या हो रही है प्रधान से? समस्या तो ये है कि जब सूचना दिया जाता है कि आप लोग जो है जांच करवाइए, जांच हमेशा होता है साहब, चौथी बार ये जांच हुआ साहब। यहाँ समस्या देखिए ये है कि 1,20,000 रुपया आया, 16,000 17,000 की मजदूरी आई, न तो लोगों को मजदूरी मिला। प्रधान किसी से 20,000, किसी से 30,000, लोग आज करकट लगा के रह रहे हैं। कितने लोगों का आवास अभी मतलब बना भी नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आज जो टीम आई थी उसमें सेक्रेटरी यहाँ नियुक्त किए गए थे कि डीह कैथौली में समय से पहुंचकर हमारे पास पत्रावली उसकी है, लेकिन यहाँ आने के बाद का पता चला कि बुखार आ गया और वीडियो साहब कहीं इमरजेंसी में चले गए। जब लोग नामित हो गए कि डीह कैथौली में जाना है फला डेट को 16 तारीख को, तो फिर क्यों इस तरह से कह रहे हैं कि बुखार आ गया, पत्रावली भी नहीं उपलब्ध कराए, और जो जांच करने के लिए आए थे साहब उसके बाद गाड़ी में कैसे भाग गए हैं आप लोग, सब लोग देख रहे हैं, वो मतलब जांच कर नहीं रहे हैं सही से। आवाज के लिए कह रहे हैं, कहीं लाभार्थी के घर पूछिए, वो अभी नहीं पूछ रहे हैं। पूरे गांव में उनको घुमाया, पूरा गांव घूम के देखे? पूरा गांव नहीं साहब घूमे, इधर से भाग गए, अभी तो उधर पूरा गांव बाकी है, अधूरा काम करके भाग गए। हाँ, अभी नाली है, खड़ंजा है, आवास है, शौचालय है, अभी रिबोरिंग है, और उसके बाद हमारा जितना मामला आर्डर पे था, ये महंत योगी बाबा जी के आदेश पे ये लोग आए थे, उनके आदेश का भी ये लोग पालन नहीं कर रहे हैं, और इसी तरह से गाली से देखिए।